मैंने हॉस्पिटल बात कर ली है, वो लोग जल्द अच्छी नर्स का बंदोबस्त कर देंगे, जिसे एक्सपीरियंस भी होगा। आपका बहुत ख्याल रखेगी वो, आप परेशान मत होइएगा। अच्छी होगी, लेकिन वो तुम तो नहीं होगी। ऐसे तो मत कहें, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। इस घर के हर चीज मुझे बहुत याद आएगी। तुम अब यहां कभी नहीं आओगी। सकता है कि अब हम कभी ना मिल पाए। चाहती तो ये थी कि तुम हमेशा यहां मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। क्या पता था कि हमारा इतना सही साथ है। अब रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हारे खुश होने के दिन है, तुम्हारे हंसने के दिन है, तुम्हारी शादी हो रही है। दिल से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम घरों में आती हो, ये लुपटा जी मैंने अम्मार की दुल्हन के लिए बनाया था। सोचा तो यही था कि तुम ही मेरे अम्मार की दुल्हन बनोगी। इसे मेरा तोहफा समझ के रख लो। बहुत शौक से उसके लिए बनवाए थे, को नहीं दे सकती। जब पहनोगी तो मुझे याद करोगी। नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि दिल भर गया उसका मुझसे। ऐसा मत सोचो कवल, अगर ऐसा होता तो शारक इतना परेशान नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए टेंशन देखी है। तो फिर जिद लगाए क्यों बैठा है? ये उसका नहीं, उसकी माँ का फैसला है। गलती उसकी अम्मी की भी नहीं है। तुझे पता है फरहीन खालक कितनी बार अम्मी जी के पास आ चुकी और इतने आराम से तरीके से बात की है अम्मी से, लेकिन एक हमारी अम्मी जिन्हें लोगों की बेइज्जती करने का शौक है, यकीन कर अगर उस दिन ये गड़बड़ ना होती तो आज ये दिन ना देखना होता। अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो गया ना, अब ये सोचो आगे करना क्या है। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ। मैं खुद रिश्तों के दरमियान फंस चुकी हूँ। अम्मी जी को अब्बू जी को सुमेर के रिश्ते के अलावा कोई बात नहीं सूझती, बल्कि सच तो ये है कि किसी को मेरी शादी की परवाह ही नहीं है। अगर अम्मी जी से ये बात कहूंगी ना तब भी नहीं मानेंगी शारिक के लिए। कमल, अभी तुम इस मामले को यहीं छोड़ दो, और खाला सुमेर की शादी की तैयारियों में लगी हुई है। तुम ही ने बताया था उनको भी अच्छी बात भी बुरी लग रही है, तो फिर और हो सकता है कि शारिक अपनी अम्मी को मना ले और वो अपनी जिद छोड़ दे। आ जाओ।
ये मेरी शादी का कार्ड है। आप और दादी आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मारिया, मैं शायद ना आ सकूं। अब जैसे नेक और मुखलिस इंसान को मैं तकलीफ दे रही हूं, मैं जानती हूं कि मैं ये करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने आपके लिए कभी बददुआ नहीं की, हमेशा दुआ की आपके लिए। आप प्लीज खुद के लिए बददुआ मत करें, ये गुनाह है। किसी का दिल दुखाना भी तो गुनाह है, जो ना चाहते हुए भी मुझसे हो गया। जो हो गया वो ना आपके बस में था ना मेरे। हमें तो सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमने मोहब्बत की है, और वो भी मुकद्दस। शायद यही हमारे लिए काफी है। आपका और मेरा मिलना शायद किस्मत में नहीं था। आप जहां भी रहेंगी मेरी दुआएं जरूर आपके साथ रहेंगी। मारिया, तुम्हारी शादी हो रही है? मुझे अभी तबस्सुम आंटी ने बताया, मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। थैंक्स। मार, अमार। हाँ? मारिया जा चुकी है। जो चला गया है उसको इस तरह देख रहे हो? मुझे तुम्हारे सामने खड़ा हुआ उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं? For God's sake, निशा, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? समझ तो तुम्हें भी नहीं आती अमार। तुम क्यों नहीं समझते कि मारिया की शादी हो रही है? क्या वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है? मारिया की शादी मुझसे हो या किसी और से, मगर तुम ये बात जान लो कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। अगर ये बात तुम्हें समझ में आना होती तो आ जाती। समझ तो तुम्हें भी नहीं आना, लेकिन एक बात तुम समझ लो अमार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। बच्चे मुझे पानी पिला दो। जी कावल, तुम रुको मैं लेकर आऊं। नहीं नहीं बेटा, तुम इसे जान, तुम जरा मेरी बात। ये रुको। अरे भाई, तुम्हारी शादी के अखराजात के लिए है कावल, या बड़ी माँ के साथ जाके बाजार शॉपिंग कर लेना और दिल खोल की चीजें लेना, कपड़े तुम से और ले लेना। लो बेटा। अब मुझे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इसको बहुत अच्छे से शॉपिंग करा दूंगी। हाँ ठीक ठीक। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ दुकान। अब मुझे पानी। अरे भाई, दुकान पे। कितने सारे पैसे मिले ना, अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे। ठीक है, सारी चीजें लूंगी, बल्कि लिस्ट बना लेना, सब कुछ जाके ले लेंगे। और अब्बू जी ने कहा ना, कम पड़े तो दोबारा ले लेंगे। और जो जो तुम्हें पसंद हो सब याद रखना। हाजी साहब, आपके लिए कबाब भी बना के रखती हैं, आपको बहुत पसंद है ना? खुश रहो, वैसे मेरे खाने पीने की इतनी फिक्र नहीं किया करो, वरना बड़ा अच्छा इंतजाम कर देता है। उमिया साहब, आप मुझे बस मस्जिद तक छोड़ के आ जाना। जी अब्बू जी। बड़े पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं दो चार रोज के लिए तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तबलीग भी हम मुसलमानों की एक जिम्मेदारी होती है। हमने जो इल्म हासिल किया है, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, उसे
उन तक पहुंचाना जरूरी होता है जिनके पास इल्म नहीं है। मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तुम क्या दुआ करवाना चाहिए? अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। सिद्ध के दिल से मांगोगी तो ऐसे ही होगा। बड़े पापा, आप सुमेर को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? आप ही तो कहते हैं कि नेकी की दूसरों को दावत देनी चाहिए। अगर सुमेर साथ जाएगा तो अच्छा है ना? क्यों सुमेर, तुम भी कुछ सीख लोगे? मैं नहीं जा सकता, घर में किसी मर्द का होना जरूरी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम हालत जंग में हैं। सुमेर, वैसे मारिये ठीक कह रही है, चलो ना तुम भी मेरे साथ। हाजी साहब, सुमेर चला जाएगा तो मुझे बड़ी परेशानी हो जानी है। घर के छोटे मोटे काम किसको कहूंगी मैं, अकेले पड़ जाएंगे हम तो बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, इस बार ना सही, लेकिन अगली बार जरूर तुम चलोगे मेरे साथ, हैं? जी अब्बू जी, बिल्कुल। सारे बेगम सब चीजें कपड़े उपड़े रख दिए ना ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ रख दिया। जुदा अम्मी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें बाजार जाना था, देर हो जाएगी, ये काम बाद में भी हो सकते हैं। आज बारिश का सा मौसम हो रहा है, देख सरा बाहर जाके, कल बल सोचेंगे। रोजाना आप यही कहती हैं, कल भी आपने यही कहा था और कोई बारिश नहीं, और अब दिन ही कितने रह गए शादी में और मेरी तो कोई चीज भी नहीं आई अभी तक। एक तो पता नहीं तेरे अबू जी को शादी की इतनी जल्दी क्या थी, सर पे खड़ा इतवार, कैसे होंगी सारी तैयारियां? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज ही चलते हैं। तूने तो जिदी पकड़ ली है। चलिए ना अम्मी जी, ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। वैसे कौसर बता रही थी कि दुकानों पर सेल लगी है, काफी सस्ती चीजें मिल जाएंगी हमें। कौसर और उसकी माँ का तो बस चले ना, तो वो अपना घर ही बाजार में बना ले, हर वक्त बाजार में घुसी रहती हैं दोनों माँ बेटी। अम्मी जी अब कौसर पर रिसर्च मत शुरू कर दीजिएगा, मैं अब आया पहनकर आ रही हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। उसे मारिया को कह देना कि हम जा रहे हैं, जरा बारिश होने वाली है, ऊपर कपड़े डालें, ध्यान कर ले। हाँ मैं कह दूंगी। लगता है बारिश होने वाली है। रास्ता छोड़ूंगी। सॉरी।
सब कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा। अम्मी कब्र वो मार्केट गए हैं। अच्छा, इसका मतलब हम अकेले हैं। अच्छा हुआ ना मैं आ गया, मौसम ऐसा हो रहा है परेशान हो जाते तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मम्मी जी कब तक आएंगे? कुछ बता कर गई हैं? वो अभी तो गई थी, थोड़ी देर बाद आएंगी। क्या कर रही हो? ढीले सर पे दुपट्टा नहीं रखो, बीमार हो जाओगी, लग जाएगी। लो, छोड़ो इसे, अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में क्यों जाओ? अरे जाओ अपने कमरे में। सुमित, मेरी बात तो सुन। सुमित छोड़ो मुझे। गुस्सा क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। हमारी शादी होने वाली है। सुमित छोड़ो मुझे। क्यों कर रही हो पागल? मारिया, भाग कर रही हो मारिया? चलो फेंको फेंको, एक और चीज फेंको। मैं मार, मारो मारो, मैं मार, और मारो। हाँ ये भी फेंको फेंको फेंको। मारिया तुम गुस्से क्यों हो रही हो? मारिया कहाँ भागोगी? मारिया कोई भी नहीं है घर में। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी से थोड़ा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बेटे। मारिया अब तुम नहीं पूछोगे। मारिया बाहर आओ ना मारिया। लीजिए अम्मा जी दवाई खा लें। सलमा मैंने तुमसे कहा तो है कि मुझे नहीं खाना दवाई, अभी तो खाई थी। अम्मा जी वो तो आपने सुबह की खाई थी, अभी की दवाई तो बाकी है आपकी। बस कह दिया ना नहीं खाना, चली जाओ। क्या हुआ? अमार भाई अम्मा जी दवाई नहीं खा रही, कल भी उन्होंने दो वक्त की जगह एक वक्त की दवाई खाई है। अच्छा लाओ मुझे तो, अच्छा चली जाओ। जी मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं जा रहा खाने का। दादी आपने फिर जिद करना शुरू कर दिया, पता नहीं मारिया आपको कैसे ट्रीट करती थी, उससे तो आप सारी दवाएं वक्त पे ले लेती थी। उसको अपनी बात मनवाने का हुनर आता था, और जो बहुत मोहब्बत करते हैं ना उनकी बात मानना पड़ती है, उनको इनकार करना आसान नहीं होता। दादी आप मारिया को भूल क्यों नहीं जाती? आप उसे क्यों इतना याद करती हैं? तुम्हें याद नहीं आती? आप ये दवाई लीजिए। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? नहीं तो नहीं बोलते थे। आप प्लीज ये दवाई खाएं दादी। दीजिए आपको आराम की बहुत जरूरत है, एक तो पूरी रात आप जागती रहती हैं, डॉक्टर पहले ही बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। सो जाइए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
बाहर आ जाओ ना मारिया, बाहर। सारा पानी पानी हो गया। ये ले बेटा, मेहरबानी, रहने दे। वो नेसी तो एक घंटा लगाएगी बाहर आने में। बारिश को भी आज ही होना था, शॉपिंग भी नहीं की ठीक से, और आपको भी घर आने की पड़ी थी। शुक्र कर रुक गई है, वरना सड़कों पे सारा ट्रैफिक जैम हो जाना था 2 मिनट में। और मेरी शॉपिंग का क्या? दुपट्टों की मैचिंग नहीं मिली मुझे अभी तक। पता नहीं दोबारा जाएंगे मैचिंग मिलेगी कि भी ये नहीं मिल जाएगी। तुझे शॉपिंग की पड़ी, मुझे घर की फिक्र पड़ गई थी। ध्यान से फिसलना ना। अच्छा वो आप आ गई है, ये दिखावा कर रही है, ड्रामे कर रही है। मुझे कह रही थी अब तो शादी होने वाली है तुम ठीक। बड़ी मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यही सच सीख के आई थी अपनी माँ से, यही करने आई थी, यही करने आई थी मेरे घर पे है? या मेरे अल्लाह, खुदा का कहर टूटे तुझ पे, मर जा तो भी यहाँ कड़ी कड़ी दफन हो जा। हाँ मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तुम्हें दार जो मेरे बच्चे का नाम लिया अपनी नाम भाग समान से। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है, भरोसा है मुझे अपने सुमेर पे।
करूंगा, मैं बेकसूर हूँ। आप भी एक औरत है ना, जरा सोचे मैं एक औरत होके कैसे इतना कर सकती हूँ। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। हाँ लगा मुझे, दूर हो मुझे, दूर रख अपना नाम बात, मुझे और मुझसे पीछे हो जा। कमल तुम तो जानती हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ। अम्मी जी मैं जानती हूँ कि ये ऐसी नहीं है, कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन लें आप। सुमेर की तो सारी बातें सुन ली आपने, पर सुने तो सही क्या क्या रही है ये। मैंने कहा था हाजी साहब को, मैंने कहा था ना रखे इसे घर में, ना रखे इसे इस घर में। मेरी बात तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि कई बार तो मैंने मुझसे गलत बात करने की कोशिश। चुप जा, बंद कर अपनी बकवास, दबा हो जा मेरी नजरों से। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, आप मेरी बात का यकीन तो करें। बड़े देखे हैं तेरे जैसे झूठी कसमें खाने वाले। करें प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा घर अल्लाह है। मैं कसम खाती हूँ, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। अब तो मैंने अल्लाह को गवाह बना लिया है अपना, अब तो यकीन कर ले। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो अभी इसी पर अल्लाह मुझे मार दे। कमल ले जाए इसे, इसका सामान उठा, बाहर फेंक इसे, यहाँ से दूर कर इसे मेरी नजरों से। मसीह का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दत। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरा दर्द जो वो मिटा नहीं, मेरी ख्वाहिशें बनी हसरत। आप बैठे, मैं निशा बीबी को बुलाती हूँ। आप प्लीज निशा को नहीं, आंटी को बुला लीजिए। जी ठीक। और हाँ, वो उनसे कहिएगा जरा जल्दी आ जाएं, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। जी बुलाती हूँ। शुक्रिया। सुनो, मुझे दो कप कॉफी बना दो, और मामा को नहीं डिस्टर्ब करना, वो सो रही हैं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बहुत याद कर रहे होगे। वैसे कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना? मेरा इतना दिल चाह रहा था कि इस हसीन मौसम में हम कुछ वक्त साथ गुजारें। इतनी सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है, और इतने प्यारे मौसम में तो दिल की बात। इन्ना इलाही रहा। रुको अमाल, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें क्यों अच्छी नहीं लगती मैं? बता ही दो आज तुम मुझे। निशा, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज आंटी को बुलाओ, मैंने उनसे बात करनी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको आंटी से क्या बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करें। We are adults. I guess we can talk. निशा, तुम्हें मेरी बात तो समझ में आती नहीं, तो शायद उनकी बात समझ में आ जाए। आपको क्या लगता, मैं किसी के समझाने से खुद को आपकी मोहब्बत से रोक लूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना अम्मा, तो तुम्हें गलत लगता है। You are impossible, Nisha. Impossible. बीबी जी, कॉफी मेरे सर पे रख दो। आपने ही तो कहा था दो कप कॉफी बना ला। Get lost, यार! बड़ी मामा प्लीज, मुझे घर से नहीं निकालें, मैं किसी और को नहीं जानती यहाँ पे आपके अलावा। ये सब पहले सोचने की बातें थी, लेकिन तुझे तो ये सिखाया गया है ना कि जिसका नमक खाओ उसी का गला काटो। ठीक है,
मैं चली जाऊंगी यहाँ से। एक बार बड़े पापा को आने दे, मुझे उनसे बात करने दे प्लीज। अम्मी जी एक बार अब्बू जी को आ जाने दे, उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बस अब नहीं वो आएंगे, ये फिर दो बांसु बहाएगी और उनका दिल पसीज जाएगा। चल निकल यहाँ से, दबाओ जा, चल जा यहाँ से। अम्मी जी भाग मेरे घर से। अम्मी जी मेरी मामा मैं कहाँ जाऊँ, चल बाहर। मुझे मुझे सुबह तक के लिए रुकने दे, मैं सुबह होते ही खुद ही चली। अम्मी जी सिर्फ सुबह तक रोक लें इसे, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। अम्मी जी बात तो सुने, बड़ी मामा बाहर, बड़ी मामा करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश कि इस वक्त अब्बू जी होते, मुझे उन्हें फोन करके बता देना चाहिए, लेकिन फोन सुमेर के फोन से करती हूँ। मम्मी जी तो गुस्से में पागल ही हो जाती है, सिर्फ अब्बू जी हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़ दो, दे दो मुझे फोन। अब्बू जी को कॉल कर रही थी तुम? हाँ, अब्बू जी को फोन कर रही थी। आखिर उन्हें भी तो तुम्हारे कारनामे पता चले। एक पड़ेगा, सीधे रात का बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। मुझे पड़ेगा? अरे पढ़नी तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी वजह से मारिया इस घर से गई है। कवल तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ आई? आइंदा मेरे फोन को हाथ लगाया ना हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। किधर जा रही है? इतनी रात गई एक लड़की को आपने बाहर निकाल दिया, ये अच्छी बात नहीं है अम्मी जी। कुछ तो खुदा का खौफ करे। अरे लड़की नहीं है, डायन है वो, मेरे घर की खुशियों को खा गई है। कुछ भी है अम्मी जी, इस वक्त उसे घर में बुला लीजिए। सुबह होते ही फिर उसे इस घर से तो क्या, इस शहर से निकाल दीजिएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। खबरदार जो तूने दरवाजा खोला। जी प्लीज बस कर दे, इस तरह तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। अंदर जा कबल, फौरन अंदर जा और मुझसे बहस मत कर। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जी खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक बार उसे अंदर बुला ले प्लीज। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशी है तबील जाना हकायत। मेरे ख्वाब हैं मेरे चार सो है गगन को छूने की ख्वाहिश। हो मेरे मेहरबान मेरे राजदान, कुछ देर रहने दे ख्वाब में। मेरी चाहते क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। असहारे यार मुकदमा तो सदाहाल, न पूछ सदा रब वारस। असहारे यार मुकदमा
देखती हूँ अब कौन खोलता है ये दरवाजा।